क्या हुआ? तुम होश में तो हो? जी यस। हुआ क्या? वो सर, वो मैं वो विक्की की लाइफ इमेजिन कर रहा था। ओहो हो, मतलब इमेजिन करके इमेजिनेशन में तुम विक्की की लाइफ जी रहे थे। तुम कोई साधु महात्मा हो? नहीं नहीं वो सर, सर वो मेरा मतलब है सर, वो सर उसकी गर्लफ्रेंड है ना, मैं ये समझ रहा था मैं उसका बॉयफ्रेंड। व्हाट? वेट अ सेकंड, मतलब मुझे देखकर ये इमेजिन कर सकते हो कि तुम मेरी पत्नी के पति हो? नहीं नहीं सर, सर मैं कैसे सोच सकता हूं? सर आप इतने अच्छे पति हैं सर, आपकी पत्नी को जीवन में नहीं सोच सकता सर कि वो मेरी पत्नी। तुम्हारे जैसा गंदा और चीप इंसान मैंने अपने जिंदगी में नहीं देखा। सर मेरी बात, गेट आउट। अरे सर, सर आपकी पत्नी को इमेजिनेशन में हाथ भी नहीं लगा सर। सर डोंट इवन वांट टू सी योर फेस। मैंने तो सिर्फ चरण, डोंट यू डेस इन माय कार, गेट आउट सर। कमाल है, वाइफ को इमेजिन भी नहीं किया फिर भी गलत समझे। हाय जानू बानू, कहाँ हो? तुम्हारे दिल में। यू लायर। आई मीन इट, झांक कर देख लो। तुम्हें अपने दिल में ढूंढने के लिए मुझे झांकने की जरूरत नहीं है। ओह लव यू। रियली? ट्रस्ट मी जानू बानू। क्या कर सकती हो मेरे लिए? कुछ भी। और अगर मैं मर गई तो? ऐसी बातें मत करो ना जानू बानू, तुम मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा। ओ प्रेम, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। प्रेम, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। ऐसा करो प्लीज, जल्दी से घर आ जाओ, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगी। ओके बाय। इस दुनिया में हर आदमी अपनी अपनी तरह से दुखी है। किसी को एक दुख है, किसी को दूसरा दुख। सर, मगर आपको ऐसा क्या दुख है सर? मेरी बीवी बीमार है, ना उठ सकती है ना बैठ सकती है। हजारों इलाज करवाए, इलाज करवाते करवाते मैं खुद ही डॉक्टर हो गया। सर आप दुखी मत होइए, इसलिए कोई भी काम हो तो जरूर बताइएगा। बस थोड़ी सी हंसी दे देना, जिंदा रहने के लिए काफी होता है। सब मर्द ऐसे होते हैं, झूठ कहकर सेक्रेटरी को फंसाते हैं, ये भी ऐसे ही होंगे। अच्छा ये ट्रेनिंग चल रही है, फिल्में देख देख कर खूब पति को गालियां दो। आ गए आप? हाँ। गाली नहीं दे रही हूँ, सच कह रही हूँ। मैं जब आपके ऑफिस में फोन करती हूँ आपकी सेक्रेटरी ही फोन उठाती है। वो मेरी सेक्रेटरी नहीं है, मैं खुद वहाँ का कैशियर हूँ। सेक्रेटरी होती तो फंसा लेते। क्या फंसा लेता, खुद फंसा हुआ हूँ। मिस्टर खुराना सही कहते हैं, आदमियों को जगह जगह की थाली में खाने की आदत होती है, उनकी डोर अपने हाथ में ही रखनी चाहिए। ये मकान बेचना ही पड़ेगा, ये खुराना ने जिंदगी जो है नरक बना दी है। देखो तुम ये पड़ोसी पड़ोसी की बातों में आकर हमसे झगड़ा मत किया करो प्लीज। सच कह रही हूँ, इसलिए कड़वा लग रहा है और इसलिए मेरा टीवी भी ऑफ कर दिया है। दो मेरा रिमोट वापस दो। दिन भर टीवी देखने के अलावा क्या करती हो? खबरदार इस टीवी के बारे में कुछ कहा तो, ये मेरे पिताजी ने दिया है। पिताजी? मेरे पिताजी? तुम्हारे पिताजी की दी हुई सब चीजें बेकार है। क्या मैं भी बेकार हूँ? हाँ, और वो तो एहसान मानो मेरे जैसा इंसान शादी करने के लिए तैयार हो गया। रहने दो रहने दो, एक से बढ़कर एक रिश्ता मिल रहा था मुझे। तकदीर वाले थे साले, सब बच गए। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, मेरा रिमोट वापस करो। काश कोई ऐसा रिमोट बनता जिससे चैनल के बदले दीवियां बदली जाती। तो क्या करते? तो रोज एक चैनल बदलता, और जिस चैनल को एक बार देख लेता दोबारा उसकी तरफ मुड़के नहीं देखता, पहचानता ही नहीं। मुझे तो शुरू से ही पता था वैसे ही हो। हाँ, राइट, मैं ऐसा ही हूँ और मैं ऐसा ही रहूंगा। मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। खाना गरम करो, भूख लगी है। नहीं करूंगी, जाकर अपनी बैंक वाली के यहाँ जाओ और खाना खाओ, और ये जोकर गिरी भी वहीं जाके करना। हाँ खा लूंगा, अब तो मैं उसी के पास खाऊंगा। तो जाओ ना, देखती हूँ कितने दिन खाना खिलाती है, एक दिन वापस मेरे पास ही आना होगा। ये मैं पागल हूँ जो नरक में वापस आऊंगा? ये नरक नहीं है, पत्नियाँ घर को स्वर्ग बनाती हैं और पति को स्वर्गवासी बना देती। बात करती जैसे घर में घुसो लाइफ। ये चाबी कहाँ लेकर जा रहे हो? ये कार भी मेरे पिताजी ने दी थी। लो, बेकार है तुम्हारी तरह, कुछ दिनों बाद कबाड़ियों को भेज देना इसको फोकट में। इतने ही खुददार हो तो ये कपड़े भी उतार कर जाओ। मैं साधु नहीं बनने जा रहा हूँ, जो कपड़े उतार दूं सड़क में नंगा घूमूं। ये शर्ट पिछली दिवाली पर मेरे पिताजी ने दी थी, उतारो। अच्छा साला, आज समझ में आया दहेज लेना कितना जुर्म है। वक्त आने पर पति को नंगा भी होना पड़ता है। ये लो अपने पिताजी को पहनाओ। पिताजी? पिताजी ने नरक बना दिया। ये तो तुम्हारे पिताजी का दिया हुआ नहीं है ना? हैं?
अब तुम रहना अपने पिताजी के दिए हुए दहेज के सामानों के साथ, और कार से बोलना मांग भर दे, और टीवी से बोलना बच्चे पैदा कर दे, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। ठहरो, माफ नहीं करूंगा, सॉरी बोरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी बोल भी नहीं रही हूँ, मेरा रिमोट देते जाओ। हाँ ये रखो, जा रहा हूँ मैं। हाँ हाँ जाओ, तुम्हें तो बहाना चाहिए था, कोटा से लाकर पटक दिया यहाँ पे, पूरा दिन टीवी देखकर दिल बहलाना पड़ता है। आपसे तो अच्छा मेरा ये हुंडई का टीवी है। ना ऑफिस में ठिकाना ना घर में। संतोष पार हो गया। ए, रुको, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? झक मारने। अकेले? हाँ, अब आप आ गए ना। नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, आई हैव टू मीट माय मदर इन लॉ। संतोष, सुबह शांति के साथ झगड़ा हुआ था, कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ कि नहीं? अब आप जले पे नमक मत छिड़किए, एक तो मेरी शादी करवा दी, ऊपर से उसको भड़काते रहते हो। अरे इधर तो उधर ही जा रहा हूँ। अरे संतोष, अब देखता खिचड़ी को ज्यादा पक गई है। खिचड़ी पकने ही गई, जल गई है खुराना साहब। आप मुझे मेरी मम्मी के घर छोड़ दीजिए, फिर जाके शांति को समझाइए। मैं? हाँ। अरे मुझे क्या? अच्छा प्लीज आ जाओ, आ जाओ, चलो। तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं मैं। What's this? Lights off. एनिवर्सरी कल है, सरप्राइज है हाजी। कूल खुशी, खुशी आई नो यू आर प्लेइंग विद मी, खुशी खुशी अप गो। खुशी 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 डॉक्टर चंद्रशेखर है, डॉक्टर चंद्रशेखर है, जल्दी बुलाइए उन्हें। झूठे, व्हाट, धोखेबाज। तुम तो ठीक हो, मैं डॉक्टर को फोन कर रहा था। यू स्केयर्ड द हेल आउट ऑफ मी। तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, मैं मरने का ड्रामा करके तुम्हें आजमा रही थी। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। करता हूँ जानू बानू, करता हूँ। मैं मर गई ये देखकर तुम क्यों नहीं मरे? What? ये तुम क्या कह रही हो? Are you okay? यही कहा था ना तुमने, अगर तुम मर जाओगी तो मैं भी मर जाऊंगा। लेकिन लेकिन तुम कहाँ मरी हो? तुम तो जिंदा हो। ये तो अब पता चला ना कि मैं जिंदा हूँ। जाओ, मैं तुमसे बात ही नहीं करती। शादी से पहले तुम ही कहते थे ना कि प्यार जन्म जन्म का साथ है। मैं मर गई और तुम जिंदा हो। अरे मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। शादी से पहले क्यों कहते थे कि अपनी जिंदगी से बढ़कर मुझसे प्यार करोगे? हाँ, मुझे अब पता चला कि तुम मुझसे नहीं, तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा प्यार करते हो। सीरियसली खुशी, मैं तुम्हारे लिए मर सकता हूँ, कहो तो मर के दिखाऊं। तो कहते क्यों हो? लो मरो। जिंदगी नरक हो गई है, नरक। ये सब मिस्टर खुराना और जीजू की वजह से हुआ है। क्या तारीफ कर रहे थे, शांति गाय है गाय। खुला सांड था मैं, बैल बनकर घूम रहा हूँ साला। क्या हुआ भाई? हाँ कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्या लड्डू बट रहा है, काम करो अपना। अरे चिल्ला रहे को यार, बड़ी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे संतोष तुम्हारे लिए हीरोइन ढूंढिए हीरोइन। बिल्कुल हीरोइन है। हमारा संतोष भी कुछ कम नहीं है, ये जबान नहीं चलाता, सिर्फ हाथ चलाता है। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं कब हाथ चलाता हूँ? अरे बैंक में कैशियर हो, सिर्फ हाथ ही तो चलाते हो। पिछले 6 साल से हमारी पड़ोस में रहता है, बहुत शरीफ लड़का है। आजकल ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं? दरअसल हमारे संतोष को पीने की और खाने की बहुत आदत है। क्या आदत है, क्या बोल रहे हो आप? आप शादी करवाने आए हो या बर्बादी करवाने आए? अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि तुम खाते पीते आदमी हो, गलत बोल रहा हूँ क्या?
खाता पीता तो हूँ। अरे खुराना साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आप मानो ना मानो, खाने पीने का शौक तुम्हारी बेटी को भी बहुत है। तो फिर ये जोड़ी बिल्कुल फिट है, हमें ये रिश्ता मंजूर है, क्यों खुराना साहब? हाँ जी हाँ जी, क्या हाँ जी हाँ जी, लड़की तो मैंने देखी नहीं अभी। अरे मिसेस खुराना ने देख ली ना शक्ल, उनकी चॉइस क्या गलत होगी? क्या बात है? लड़की की शक्ल तो दिखी नहीं, लड़की देखने आए हैं ना? अरे संतोष, गांव में लड़की की शक्ल नहीं दिखाते, तस्वीर दिखाते हैं, तस्वीर समझा कर। अरे तो तस्वीर भेज देते, मुझे क्यों बुलाया था? अरे लोग तारे को देखना चाहते थे, तारे को। मैं कोई अंधा लूला बह रहा हूँ जो मुझे देखना चाहते थे? और लड़की में कोई गड़बड़ हुई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं आपसे शादी करूंगा? मैं शादीशुदा हूँ, वो बैठी मेरी बीवी, वो जानता हूँ। मैंने बोला ना ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे मानो ना मानो खुराना साहब, तुम्हारी बेटी इतनी समझदार है कि थाम लोगों ने कोई शिकायत का मौका ही नहीं देती। अरे ये तो बेचारी गाय है, गाय। आवाज तो सही है। तो शादी पक्की? बिल्कुल पक्की। मुबारक हो। बोल पाती है कि नहीं? अरे ठीक है लो बेटा, मुंह बिठा लो, मुंह खोल। अरे लड्डू खाया